गणपति और रमन्ना के संपत्ति कुर करने का आदेश भी हुआ। हालांकि थोड़ी बहुत संपत्ति कुर की गई, बचत नहीं मिला करके छोड़ दिया गया। सितंबर 2014 में प्रारंभिक रिपोर्ट एनआईए कोर्ट में प्रस्तुत किया। आश्चर्यजनक ढंग से रमन्ना और गणपति का नाम उसमें नहीं था। जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया गया उसमें भी रमन्ना और गणपति का नाम नहीं था। सवाल इस बात का है कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन्ना और गणपति को क्यों बचाए? उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई? उसके संपत्ति कुर क्यों नहीं किया गया? और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि रिपोर्ट में, एफआईआर में यदि किसी अपराधी का नाम दर्ज हो गया तो वो हटता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसका नाम क्यों हटा गया और क्यों बचाना चाहते हैं आप? आपका उद्देश्य क्या था? जो मुझसे पूछते ना, पर्ची है ये। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दे इस बात का, एफआईआर में नाम होने के बाद उसे हटाया क्यों गया? दूसरी बात, जो आयोग गठित किया गया, आयोग की रिपोर्ट आया, आप सब जानते हैं राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया था, राजभवन में उसको सबमिट किया गया, कभी ऐसा हुआ है? लेकिन आयोग की रिपोर्ट सरकार को न देकर, चीफ सेक्रेटरी को न देकर सीधा राजभवन में दिया जाता है। और जब हम लोग, जब हमारे पास आया ही नहीं, और उसके बाद उसके खबरें चलने लगी, तब हम लोगों ने 2 सदस्यीय आयोग का गठन किया। और आयोग के गठन करने के बाद उसको स्टे कौन लेता है? उसको स्टे लेता है धर्मलाल कौशिक। उसकी वकालत कौन करते हैं? महेश जेठमलानी, जो भाजपा का सांसद। तो जांच में क्यों रुकावट डाल रहे हैं? ये वही धर्मलाल कौशिक जी हैं जो नान घोटाले में भी PIL लगा के स्टे ले बैठे। नान घोटाले की जांच करने गए, SIT गठन किया, तो उसमें भी रमन सिंह जी के खासम खास धर्मलाल कौशिक जी दोनों बार स्टे लेने पहुंचते हैं। तो सवाल इस बात का है कि किसको बचाना चाहते हैं, किस तथ्य को छुपाना चाहते हैं? एक तरफ FIR होता है, हम लोग SIT गठन करते हैं, तब NIA जाके स्टे ले लेती है। जीतू मुदलियार FIR करते हैं दूसरे बार, तब भी NIA जाके उसमें स्टे ले लेते हैं कि नहीं होना चाहिए। और दूसरे बार आयोग के जब गठन करते हैं तो धर्मलाल कौशिक जी स्टे लेते हैं। ये किस मुंह से बात करते हैं? तो जो सवाल मैंने उठाए हैं उसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी, गणपति और रमन्ना का नाम FIR से अलग कैसे हुआ? क्या हो गया? कूलर बंद कर। अच्छा सर, जगदलपुर क्या? आज जीरम घाटी की 10वीं वर्षी है और श्रद्धांजलि देने वहाँ जगदलपुर जा रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी बहुत हल्के फुल्के ढंग से आरोप लगाती है कि भूपेश बघेल के जेब में जानकारी है, तो उसे कब देंगे? विषय बहुत गंभीर है, लेकिन जिस हल्के ढंग से भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रही है वो बेहद ही
दुर्भाग्यजनक है, हास्यास्पद है। जीरम घाटी के समय आप सबको याद है कि उस घटना से पूरा देश दहल गया था, क्योंकि इतने बड़े राजनेताओं का नरसंहार विश्व के राजनीति में, इतिहास में ये पहली बार हुआ है। और इसी कारण से तत्कालीन यूपीए की सरकार ने एनआईए की जांच स्थापित की थी। राज्य सरकार ने उस समय जस्टिस प्रशांत मिश्रा के अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। एनआईए की जांच शुरू हुई और उस समय जो एफआईआर किया गया उसमें व्यापक षड्यंत्र को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रमन्ना और गणपति को उस एफआईआर में उसका नाम का उल्लेख था। अगस्त तक गणपति और रमन्ना का नाम था। और दूसरी बात यह है, व्यापक षड्यंत्र को ध्यान में रख के जांच कर रहे थे। जैसे यूपीए की सरकार हटी, एनडीए की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो केवल दंड कारण कमेटी के ही घटना मान के खत्म कर दिए जांच। इन दो सवालों का जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। मैं वही कह रहा हूं कि ये लगातार जांच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कितने बार गृह मंत्रालय को, कितने बार एनआईए को हमने पत्र लिखा, लेकिन जांच आगे बढ़ नहीं रही है और हमको वापस दे नहीं रही है। इन्हीं सवालों का जवाब ही भारतीय जनता पार्टी के नेता दे दे, जो प्रदेश के नेता कहते हैं कि जेब में पर्ची लेके घूम रहे हैं। जो एनआईए व्यापक रूप से जांच कर रही थी, किसके दबाव में, किसके कहने से वो एनआईए के अधिकारी गणपति और रमन्ना का नाम हटाए वो बताए। सवाल यही है। और जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो षड्यंत्रकारी हैं, जो अपराधी हैं, उसको उसका स्थान वहां होगा।